जैसे ही उपचुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, प्रदेश में नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। प्रदेश के पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री शिवराज को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह मुद्दों पर बात नहीं करते, ये केवल वो बातें करते हैं जिससे जीवन स्तर में कोई फर्क ना पड़े। इन्होंने 15 साल में क्या किया यह नहीं बताएंगे। साथ ही इन्होंने अपने बयान में साफ कर दिया है कि कांग्रेस का मोटो है मध्य प्रदेश को समृद्ध करना और गद्दारों को सबक सिखाना। मध्य प्रदेश का मोटिव है दो, एक है समृद्धि का और एक है गद्दारी का। कांग्रेस पार्टी का मोटिव है मध्य प्रदेश समृद्ध बने और मध्य प्रदेश के जनता का मोटिव है कि इन गद्दारों को सबक सिखाना है। गद्दारी लोकतंत्र की हत्या की मध्य प्रदेश में जो की, ये कलंक सिर्फ कांग्रेस या मध्य प्रदेश के नाम पे नहीं, एक एक जन पर जो जनता है उसको भी ये कलंकित इस भाव से इन लोगों ने किया है। मैं मानता हूँ कमलनाथ जी जो जा रहे हैं जगह जगह, इतनी भयंकर इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी भीड़ संकेत देती है कि शिवराज जी जा रहे हैं और कमलनाथ आ रहे हैं। आप देखो, यही कारण है कि शिवराज सिंह जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। वो मुद्दों पे नहीं रहना चाहते। वो क्या मध्य प्रदेश में हमने 15 साल में किया नहीं बताएंगे, क्या करेंगे नहीं बताएंगे, कोई प्रोग्राम नहीं है। बताएंगे क्या जो जीवन स्तर का किसी का कोई फर्क नहीं पड़े, उन बातों को बताएंगे। कमलनाथ जी का मोटिव क्लियर है, समृद्ध मध्य प्रदेश बनाना है, मध्य प्रदेश के बच्चों को रोजगार दिलाना है, किसानों को समृद्ध करना है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट पूरी दुनिया में घूम रही है पर मुद्दों पे नहीं आ रही है। हम मुद्दों पे रहेंगे और मुद्दों पर जनता जो जन समर्थन दे रही है उसी से शिवराज सिंह जी को हटा के मध्य प्रदेश का लोकतंत्र का हत्या का कलंक मिटाएंगे। धन्यवाद।